नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि ललितपुर जिले के कस्बा बाढ़ के सामुदायिक विकास भवन में ब्लॉक प्रमुख शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। इसके उपरांत उप जिलाधिकारी ललितपुर दीपिका मेहर ने नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख श्रीमती गुड़माला लोधी को ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ दिलाई। नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ने शपथ लेने के बाद क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई और लोगों को भरोसा दिलाया कि वह क्षेत्र के विकास के लिए सभी के साथ मिलकर कार्य करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी तालबेहर थाना प्रभारी अंजनी कुमार सिंह सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, राज्य मंत्री प्रतिनिधि चंद्रशेखर पंत, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन, जिला पंचायत सदस्य बार कुल्लू महाराज, मंडल अध्यक्ष भाजपा हरपाल सिंह सहित भाजपा के जिले के तमाम पदाधिकारियों सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संचालन पूर्व बानपुर प्रधान साहबेंद्र सिंह ने किया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए ब्लॉक बार से जितेंद्र यादव। निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ सत्य निष्ठा से, प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जिले के कस्बा बिरधा में ब्लॉक प्रमुख एवं सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और इसके उपरांत सभी को शपथ ग्रहण कराई गई। इस दौरान श्रम सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत सहित जिले के सभी गणमान्य व्यक्ति और नेतागण मौजूद रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए प्रियंक जैन के साथ मोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की, भारत जो प्रमुख क्षेत्र पंचायत बिरधा निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा प्रमुख क्षेत्र पंचायत के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद। ललितपुर जिले के ब्लॉक जखौरा में मंगलवार को हुआ नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख श्रीमती बबीता देवी सहित क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकुमार जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष ने की। इस अवसर पर रोशन सिंह यादव, हरिराम सिंह लोधी एड शिशुपाल सिंह यादव, अमरेश सिंह लोधी मंडल अध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह रजक जिला पंचायत सदस्य, बलराम सिंह लोधी, नीरज जैन, आशु राजपाल सिंह, नीरज जैन बड़गरिया, भरत कांत बिलगैया सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी अमर बहादुर सिंह सहित पुलिस बल मौजूद रहा। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जखौरा से उमा शंकर सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के मेहरौनी में भी आज नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख एवं सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह बड़े ही उत्साह के साथ देखने को मिला। ललितपुर जिले के ब्लॉक तालबेहट में नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह को एसडीएम ने दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ तथा नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह ने दिलाई क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ। ललितपुर जिले की तालबेहट ब्लॉक विकास खंड परिसर में हुआ भव्य शपथ ग्रहण समारोह।
विकास खंड परिसर में ब्लॉक प्रमुख सहित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पद व गोपनीयता की शपथ ली। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह गोलू राजा को उप जिलाधिकारी अनिल कुमार ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई, तो वहीं ब्लॉक प्रमुख ने पद पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद ब्लॉक की प्रथम बैठक भी सभागार में आयोजित की गई। तत्पश्चात नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम के दौरान सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने शपथ लेने वाले ब्लॉक प्रमुख सहित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि तालबेड़ क्षेत्र के विकास के लिए जितने धन की जरूरत होगी उसे शासन स्तर से पूरा कराया जाएगा। क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन ने कहा कि जनपद के सभी ब्लॉकों में भाजपा का परचम लहराया है। ये लगनशील कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश सिंह लोधी एड ने कहा कि भाजपा ने हमेशा से शांति बनाने का काम किया है, जिसमें विपक्ष की कोई चाल कामयाब नहीं हो सकी। प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयकुमार सिंह ने जेके सिंह ने कहा कि तालबेड़ ब्लॉक प्रमुख पद पर विजय सिंह की ही जीत नहीं हुई, अपितु सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की शुभचिंतकों की जीत है। इस कार्यक्रम के पश्चात ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह की अध्यक्षता में पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान हरिओम निरंजन श्रीकांत कुशवाहा, उपसभापति सहकारी बैंक, नगर पंचायत अध्यक्ष मुक्ता सोनी, महेश श्रीवास्तव, अशोक त्रिपाठी एड, विनोद अगरिया एड, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश रोजश सोनी, ग्रापे अध्यक्ष राजेंद्र गोस्वामी, अमित गुप्ता, अनु चौबे, सुमित गुप्ता, प्रधान प्रतिनिधि खांदी दीपचंद्र कुशवाहा, प्रधान प्रतिनिधि पवा महेंद्र यादव, प्रदीप त्रिपाठी, भानु प्रताप सिंह परिहार, डॉक्टर प्रीतम कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष सुशील अग्निहोत्री, राजेश त्रिपाठी आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का संचालन मंडल उपाध्यक्ष दिवाकर चतुर्वेदी। अंत में खंड विकास अधिकारी संदीप मिश्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तालबेड़ से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के तहसील मंडावरा ब्लॉक में नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख चंद्रदीप रावत ने दी सभी नव निर्वाचित सदस्यों के साथ तीसरी बार ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ। शपथ समारोह के आयोजन के दौरान पहुंचे प्रदेश के श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत। मंडावरा ब्लॉक सामुदायिक भवन में नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख चंद्रदीप रावत एवं समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण के लिए जिले से नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए उप जिलाधिकारी सत्यपाल सिंह ने सभी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्रम एवं सेवा योजना मंत्री मनोहर लाल पंत रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष ललितपुर कैलाश निरंजन ने की। आपको बता दें कि मंडावरा ब्लॉक प्रमुख चंद्रदीप रावत द्वारा लगातार तीसरी बार ब्लॉक प्रमुख पद पर ब्लॉक सरकार की बनने की शपथ ली। इस कार्यक्रम का कुशल संचालन ग्राम प्रधान गदौरा सोनू चौबे एवं ब्लॉक प्रमुख चंद्रदीप रावत ने उपस्थित सभी अतिथियों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं नागरिकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सहकारी बैंक पूर्व चेयरमैन पंडित अशोक रावत, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री राम पटेरिया, भाजपा नेता हरिश्चंद्र रावत, अजय पटेरिया, पुलिस क्षेत्राधिकारी मेहरोनी फूलचंद, खंड विकास अधिकारी दीपेंद्र पांडे, मंत्री प्रतिनिधि कैलाश साहू, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि दीवान दिग्विजय सिंह लोधी, जिला पंचायत सदस्य मनोज, सदस्य प्रतिनिधि लल्लू अहिरवार, मंत्री पीआरओ एवं ग्राम प्रधान गदौरा सोनू चौबे, बब्बू राजा, डॉक्टर नवदीप रावत, सूरज जैन चौधरी, हर नारायण शर्मा, नारायण सिंह सेंगर, संतोष रावत, प्रभु गंधर्व, भोले राजा, विशाल गंधर्व समेत ब्लॉक मंडावरा के क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं गणमान्य नागरिक एवं थाना मंडावरा इंचार्ज आनंद कुमार पांडे एवं पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील मंडावरा से प्रकाश राय की। कि मुलायम सिंह जी ने सबसे पहला अपने चुनाव मैदान किया तो हम लोग को छुड़वाने के लिए सरकार से इन्हें मुकोशन जेल से छुड़वाना वो ले भरे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे काम किए, मुख्यमंत्री ने ऐसे काम किए कि हमारे किसान क्रेडिट कार्ड गरीब के मकान जमीन 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 सब कुछ हो जाता है किसान क्रेडिट कार्ड से उनका अच्छी तरह से चला, उस पर लोन मिला, लोन लिया और इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने सभी को गैस सिलेंडर चूल्हे दिलाए, आवास दिलाए, शौचालय दिलाए, किसान और इसके लिए आपको
किसानों के लिए पाइप कराए, स्प्रिंकलर पाइप दिए, सिंचाई के लिए ट्रैक्टर, सिंचाई के लिए मशीनें हैं, सिंचाई के लिए ट्रैक्टर जो हमारी महिलाएं समूह में आती है। अक्षुण रखूंगा, अक्षुण रखूंगा तथा तथा अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। रावत जी को बहुत बहुत बधाई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.